जब उनके व्लॉग्स देखता हूँ भाई कसम से भाई नेक्स्ट लेवल वाली, मतलब ड्रोन शॉट आ रहे हैं, 360 शॉट आ रहे हैं। मैं गया था भाई अपनी सुपर बाइक देखने और वहाँ पे भाई लिटरली बता रहा हूँ ना, बहुत बेवकूफ़ बनाते भाई कि जयस पाजी ऐसा कोई ना व्लॉग ही नहीं बनाता मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना, और जयस पाजी अगर व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करना सर, भले आप थोड़ा रुक के ले लेना, क्योंकि है ना सेकेंड हैंड बाइक में अगर दिक्कत आ गई कुछ भी तो आप ये समझ लेना कि भाई है ना वो आपका 1-1.5-2 लाख का खर्चा करा के ही बैठेगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और गाइज अभी अपन चल रहे हैं एक मस्त से मीटअप में, मैं भी आपको बताता हूँ, आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे भाई का समझे बता रहा हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है अजमेर के अंदर, फिर भी ठीक है, दिल्ली के अंदर जो गर्मी हो रही है ना कसम से भाई बहुत नेक्स्ट लेवल हो रही है। क्या कर रही है आंटी भाई है ना, वहाँ पे ना रह ही नहीं सकते यार कसम से। मैं 2 दिन रहा, 2 दिन में हालत ख़राब हो गई मेरी तो वहाँ। बाकी यहाँ पे पुलिस वाले चचा खड़ा रहते हैं यार, और अपने साथ है शुभम भाई। क्या है चल रहे ना, तेज चलो भाई। हम हो चुके हैं भाई लेट, और हमें निकलना था 4:30 घर से, बट अभी टाइम हो चुका भाई 5:15। तो भाई आज अपने अजमेर के अंदर भाई मीटअप, और मैं अभी है ना 4 बजे आया हूँ घर पे दिल्ली से, क्योंकि यार मैं किसी काम से गया हूँ। वो काम भी बताता हूँ मैं आपको किस काम से गया हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे ना भाई लिटरली बता रहा हूँ बेवकूफ़ बनाने में 1 नंबर है भाई लोग जो ना बाइक वाले हैं। एक बार यहाँ से निकालते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ भाई। लिटरली बता रहा हूँ अजमेर की जो पुलिस है ना भाई बाइक वाले के ऊपर रहम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मतलब हर बंदा ना एग्जॉस्ट लगा के घूम रहा ना, तो सारी बाइक जितनी भी है ना भाई जिनको उनके ऊपर शक रहता है वो है ना उसको रुका के भाई एग्जॉस्ट चेक कराती है, पता नहीं क्या क्या कराती है। ये और लफड़ा हो गया अब भाई। मैं आपको बताया था कि मैं दिल्ली क्यों गया था, क्योंकि भाई है ना मुझे था भाई वहाँ पे काम। मैं गया था भाई अपनी सुपर बाइक देखने, और वहाँ पे भाई लिटरली बता रहा हूँ ना बहुत बेवकूफ़ बनाते भाई कि ये इतनी चली हुई है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो ना भाई, मैं किसी शोरूम का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि भाई है ना फिर क्या पल्ले पड़ जाते भाई कि ये बोल दिया वो बोल दिया, इसलिए मैं किसी शोरूम का नाम नहीं लूँगा। बाकी है ना भाई सच बता रहा हूँ, सेकेंड हैंड बाइक में कभी मत घुसना। आज मैं बता रहा हूँ भाई, मेरी जो आँखें ना भाई खुली की खुली रह गई भाई सच में। सब बेवकूफ़ बनाने की बात है कि भैया ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं है, वो नहीं है, सारी बाइकों कह रहा हूँ मैं भाई। भाई जो रील्स में ना दिखाते ना कि भाई ये इतनी चली हुई है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई सही बता रहा हूँ वो सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। आपके भाई की जो आँखें खुली ना भाई वहाँ जाके, सही बता रहा हूँ मैं समझ गया कि कोई मतलब नहीं है अपने सेकेंड हैंड बाइक में। अरे यार पुलिस ना खड़ी हो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ने के बाद कुछ नहीं होना है भाई। है ना जो रील्स में दिखाते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मतलब बाइक ठीक है, कंडीशन अच्छी है, जो किलोमीटर का खेल है, थर्ड ओनर फोर्थ ओनर मिलेगी आपको वो अलग सीन है भाई। मैं हैरान हो गया भाई कि क्या चल रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो वाली बात थी। आपको एक ही सजेस्ट करूँगा कि भाई सेकेंड हैंड सुपर बाइक कभी मत लेना, भले आप थोड़ा रुक के ले लेना, क्योंकि है ना सेकेंड हैंड बाइक में अगर दिक्कत आ गई कुछ भी तो आप ये समझ लेना कि भाई है ना वो आपका 1-1.5-2 लाख का खर्चा करा के ही बैठेगी, सच बता रहा हूँ। अपन हो चुके हैं भाई कुछ ज़्यादा ही लेट, और मैं भी शायद है ना सारे लोग आ चुके होंगे वहाँ पे, बट अपन लेट इसलिए हुए क्योंकि यार मेरी ट्रेन भी लेट हो गई। मैं अगर है ना घर पे 3:30 आता ना तो अब तक तो वहाँ पहुँच ही जाता, बट 4 बजे घर आया, फिर नहाया वाया, फिर इसलिए लेट हो गया। ड्रैग रेस लग गई भाई, NS वर्सेस Iron 5। सो गाइस फाइनली अपन आ चुके भाई CRPF वाले ब्रिज के इस साइड, और अपन को चल रहा है भाई जो हेलीकॉप्टर वाला रेस्टोरेंट है अपने मदार के आगे उधर। और भाई आज मिलने वाले अपन फाइनली जयस पाजी से, और भाई मेरा सपना नहीं हो सकता हो कि भाई एक अचीवमेंट हो जाएगी। सपना वो होता है कि भाई मैंने ना ये बहुत टाइम से मतलब बचपन से देख रखा, वो बात अलग होती है, बस ये ना अचीवमेंट हो जाएगी।
और है ना भाई मैं बता दूँ लिटरली जब उनके व्लॉग्स देखता हूँ ना भाई कसम से भाई नेक्स्ट लेवल वाली, मतलब ड्रोन शॉट आ रहे हैं, 360 शॉट आ रहे हैं, मतलब सारे एक से एक, मतलब जो होता ना जो व्लॉग में चाहिए होता भाई, मतलब वो मिलता है उनके व्लॉग में, और मतलब नॉलेज भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है भाई सीखने के लिए ना। तो उनको भी फॉलो करता हूँ, अपने जट भाई को भी फॉलो करता हूँ, बाकी मैं समझ जाओ यार किसी और को फॉलो नहीं करता हूँ, समझ रहे हो ना, बस वही बात है भाई। वो बंदे है ना अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई कसम से, जो अपने जयस पाजी और अपने ना जट भाई, वो दोनों अलग ही है भाई कसम से। जयस पाजी ऐसा कोई ना व्लॉग ही नहीं बनाता मेरे हिसाब से, बाकी आप कमेंट करके बताना। और जयस पाजी अगर व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करना सर, बस अपन आ चुके भाई मदार के यहाँ पे। भाई शुभम भाई और इन भाई की रेस लग चुकी है, भाई ये सामने का सीन चेक कर रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं इस साइड ना, और इधर आना होता भी नहीं है भाई, बहुत कम होता है क्योंकि इस साइड की राइड है ना हो ही नहीं पाती है। बाकी देख लो यहाँ से नीचे से ट्रेन जाती है और इसके ऊपर अपन चल रहे हैं, और सामने का अलग सीन है, क्या बात है भाई। आ चुके भाई 1000 CC, क्या ही भाई साउंड आ रहा है, कोई ना भाई जल्दी अपना ड्रीम भी पूरा होगा कभी ना कभी, बस मेहनत करते रहेंगे अपन भी। बाकी भाई जयस पाजी का भाई अभी यहाँ मीटअप है, और ये आ चुके भाई फाइनली अपने सवारी का व्लॉग्स, अब इनसे मिलाते हैं आपको। हाँ जी भाई क्या हाल है, बढ़िया मज़े में, बाकी हाथ ठीक हो गया है ना, ओके ठीक, ओके रिपोर्ट है भाई क्या एक, नहीं यार नॉर्मल हो गया लग रहा है, हाँ नॉर्मली हो गया। व्हाट्सएप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, कम्युनिटी भाई, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। तो भाई देखो ओवरऑल आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, ये एक सरप्राइज मीटअप है और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैंने अनाउंस किया था, और सच में मैन इट वेंट सो ऑसम, मुझे बहुत मजा आया। बट मेरे को पता है आपने आज पूरा ब्लॉग देख लिया, इसीलिए आप अभी पे इस स्टेज पे खड़े हो, तो भाई एंडिंग ऐसे ही होगी, अकेले नहीं होगी, जो भाई लोग आए थे ना उन्हीं के साथ होगी। सो भाई मेहनत मेरी रहमत उसकी, आप सभी को जय सर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ जेसन दोस्तों, और अगली बार अजमेर दोबारा से आएंगे एक बड़े सरप्राइज के साथ, और करेंगे इससे भी बड़े वाला। उनका बेचारा याद आ गया, आप एक शो मत करियो भाई, फेमस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चेहरे याद हो गए, तो अगला मीटअप अगर जयपुर में होता है, रिक्वेस्ट एवरीवन जितना प्यार आपने यहाँ दिखाया वहाँ दिखाना, क्योंकि देखो फिर से एक बहुत सिंपल लाइफ में एक चीज बताता हूँ, आप जैसे हैं बाइकिंग का शौक था, पैशन था, चलो थोड़े रिसोर्सेज थे, थोड़ा सा हमारा जियो लोकेशन दिल्ली था जहाँ हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली, कर करा के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी वजह से पहुंचे हैं, और आगे भी आप लोगों ने लेके जाना है, तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग बहुत स्पेशल हो, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। भाई वो कहते ना नेता में नेता कैसा हो, जेसन बाबा जैसा हो, भाई नेता में नेता कैसा हो, जेसन बाबा जैसा हो। मोटरसाइकिल के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है,
इंजन ऑयल होना जरूरी है। हेलो सो गाइस यार फाइनली अपन निकल चुके हैं भाई घर के लिए और जेएस पाजी से मिल गए। बहुत अच्छा लगा भाई, जो उनका नेचर था ना भाई कसम से बहुत नेक्स्ट लेवल था। और अभी टाइम हो चुका है भाई 8:30 और अपने सामने जा रही भाई थार, क्या ही बॉम्ब लग रही है भाई। इसके जो टायर देख रहे हो ना कसम से नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार। चेक कर रहे हो भाई साहब, क्या ही लग रही है यार, मज़ा आ गया भाई। भाई इसको बोल सकते हो किस्मत कि मैं आज ही दिल्ली से आया और आज ही जेएस पाजी ने मीटअप रखा है, तो भाई मज़ा आ गया। अब चल रहे अपन घर। सो आई होप कि गाइस यहाँ तक व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक से कमेंट करना, कमेंट में ज़रूर से बताना कि भाई व्लॉग कैसा क्या लगा आपको, बाकी क्या बाकी सब बढ़िया। और मिलते हैं भाई जल्दी न्यू व्लॉग के साथ।